नमस्कार, आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल हम 1947 में स्वतंत्र तो हुए थे, हम सारे विचारों से अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, लेकिन मैं अगर 2019 में देखता हूं तो आज भी हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे देश में कई ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 2020 तक इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस और अगले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के बीच में कुछ ऐसे आप कार्य करें जिससे आप महसूस करा सके सभी को कि ये देश हमारा स्वतंत्र है। कार्य कैसे हो सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर कार्य करने वाली, आपके घर में काम करने वाली एक मेड और आपके ऑफिस में काम करने वाला एक प्यून, अगर क्या उनके साथ साल भर में आप एक बार भी खाना खाने, दिन में या शाम को भी आप खाना खाने जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि गरीबी और अमीरी के बीच का एक हम गैप को कम कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस से, अगर हम आजकल का चलन वैसे तो नहीं बचा है, हम ईमेल के माध्यम से या बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भारतीय पोस्ट ऑफिस को, भारतीय डाकघर विभाग को हम बचाने के लिए साल में एक बार पोस्ट ऑफिस से कुछ अंतरदेशीय या एनवलप खरीद कर हम अपने साथियों को भेजें, उससे आपकी कनेक्टिविटी भी होगी और हमारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बचा रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। क्या आप अपने कपड़ों को जो पहनते हैं, क्या आप एक दिन या दो दिन उन्हीं कपड़ों को रिपीट करके नहीं पहन सकते? अगर आप पहनेंगे उनको रिपीट करके तो उतने पानी की बचत होगी। इस तरीके से हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। बिजली की बचत के माध्यम से मैं बात करूं, क्या हम साल में एक या दो दिन बिना बिजली के नहीं रह सकते, बिना इलेक्ट्रिसिटी? घर में सभी लोग कैंडल को हम जला के और लाइट को स्विच ऑफ करके रखें, ताकि जो गृह उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, जो मोमबत्ती बनाने वाले उद्योग हैं, वो भी चलेंगे और साथ में बिजली की बचत भी होगी। हम खाने के मैटर पर भी हमने बात की, हमने बिजली के मैटर पर भी बात की, पानी के मैटर पर भी बात की, हमने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम 2020 तक इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस से अगले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के बीच में हम इनमें से कुछ दिन, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप सारे दिन हमेशा ये काम करें, साल में एक एक दिन भी अगर आप काम करेंगे और मेरे साथ सारे साथी अगर इस काम को करते रहेंगे, तो देश में कहीं ना कहीं हम इस तरह, और भी ऐसे बहुत सारे मैटर हो सकते हैं। हम कन्वेंस की बात करें, हम अपनी गाड़ियों से ऑफिस आते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि साल में एक या दो दिन आप साइकिल से आए, या कभी ऐसा हो सकता है हम शेयरिंग बेसिस पे आए कि हम दो तीन साथी लोग अपनी गाड़ी से, जिनके पास कार है, दो तीन लोग एक जगह इकट्ठा होकर गाड़ी से, हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, डीजल की बचत कर सकते हैं। बस यही मैं आप लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2020 के स्वतंत्रता दिवस पहले हम ऐसी 10-12 ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज कर लें जिनसे देश के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनसे बाहर आके हम देश को आगे लेके आएंगे, न्यू इंडिया की तरफ हम जाएंगे और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि #freedom2020 पर आप टैग करें, या मुझे अपने जो भी आप एक्टिविटी करें उसका सेल्फी मुझे फोटोग्राफ के साथ भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।